डालिए 9 नंबर की ना 10, और ऑथ गार्ड हम इसमें सीखने लगे हैं अब। अच्छा ये पता नहीं क्यों इसमें एरर दे रहा है, आई एम नॉट श्योर वाई। CD10 NPM run dev, ठीक हो गया। और मैं क्या कर देता हूँ, CD web NPM start, ठीक है। फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों मैंने इसका रन कर दिया। ये मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि कॉपी करते करते में ना कुछ बेड़ा गर्क हो गया इसका तो इसको पहले ना ज़रा चला के देख लेते हैं कि जो हमने बनाया था इससे पहले तो पेप्सी मंगवा ले। अरे पेप्सी ला के देने वाला कोई नहीं है फिलहाल अभी अच्छा हाँ, तो मैंने रिफ़्रेश किया इसको तो ये मुझे कहाँ लेकर आ गया। ये बोल रहा है भाई 401 आप लॉगिन नहीं किया आपने। लॉगिन किया मैंने। अच्छा भाई दबे, जैसे ही मैं लॉगिन करता हूँ तो मुझे इसको कहाँ ले जाना चाहिए, मुझे ये डैशबोर्ड पे इसको ले जाना चाहिए। खैर अभी उसका इंतज़ाम करते हैं हम, वही अभी करने लगे हैं। तो ये फ़ौरन लॉगिन हो गया और इंज़माम मलिक ऐसा लिखा हुआ आ गया और सब कुछ ओके हो गया मेरा ना। अच्छा और जब मैं लॉग आउट करता हूँ तो ये गायब हो जाता है यहाँ से, ठीक है। तो लॉगिन लॉग आउट मेरा परफेक्ट चल रहा है, लेकिन अभी मसला ये है कि लॉग आउट होने के बावजूद मैं होम पे जा पा रहा हूँ, मैं प्रोफाइल पे जा पा रहा हूँ, मैं गैलरी पे जा पा रहा हूँ। मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे इन जगहों पर जाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए जब तक मैं लॉगिन नहीं किया हुआ था। पता नहीं ये रेड क्यों दिखा रहा है यार, इसको रिफ़्रेश करते हैं ज़रा। खैर सर इतना काफ़ी नहीं है आज के लिए, बस ये छोटी सी चीज़ है, चुन्नी मुन्नी सी, वो हम पढ़ के ख़त्म करते हैं। अच्छा तो मेरा जो ऐप डॉट जे एस एक्स है यहाँ पे इस वक्त जो मैं ये राउट्स दिखाता हूँ, ठीक है, वो मैं राउट्स दिखा रहा हूँ रिगार्डलेस के मैं लॉगिन हूँ या नहीं हूँ, मैं तमाम के तमाम राउट्स दिखा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे ये करूँ कि यहाँ पे मैं चुन्ना मुन्ना सा टर्नरी ऑपरेटर लगा दूँ, एक क्वेश्चन मार्क, और मैंने कहा कि भाई स्टेट डॉट इज़ लॉगिन, ठीक है, अगर इज़ लॉगिन है बंदा, ठीक है, तो क्या दिखाया जाए, ये तीनों राउट्स दिखाए जाए। ओके ठीक है, अगर स्टेट डॉट इज लॉगिन अगर ट्रू है, ठीक है, तो ये वाले लॉग राउट्स दिखा दिए जाए। अगर ट्रू है तो ठीक है, और मैंने कहा एल्स क्या कर दो, नल कर दो। तो ये मैंने एक बात यहाँ लिख दी कि ट्रू हो तो ये दिखा दो। अच्छा फिर मैं इसी को एक डुप्लीकेट करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई फॉल्स हो अगर तो क्या दिखा दो, फिर फॉल्स हो तो भाई ये दोनों दिखा दो। अरे ये क्या होगा, ज़्यादा डुप्लीकेट हो गया क्या, दो बार डुप्लीकेट हो गया था। मैंने कहा अगर फॉल्स हो तो क्या दिखा दो, ये दोनों दिखा दो, ठीक है। अच्छा एक सिचुएशन और भी थी जब नल था, ठीक है, मैंने कहा जब नल होना तो कुछ भी ना दिखाओ, ठीक है। मैंने कहा ट्रू फॉल्स और नल तीन है, मैंने कहा भाई कुछ भी ना दिखाओ, यहाँ पे लिखा हुआ है लोडिंग, या यहाँ पे कोई अच्छी सी इमेज भी लगा सकते हैं आप इस वक्त कि भाई ये लोडिंग स्क्रीन है या पूरा मेरा यानी डैशबोर्ड है या जो भी है। रिफ्रेश करता हूँ मैं तो यहाँ पे क्या हो गया इसको, ये एक मिनट, मैं लॉगिन की स्क्रीन पे हूँ ना अभी, रिफ्रेश किया मैंने, अभी क्या हो गया इसको, ये क्या हो गया, पहले तो रिमूव कर देता हूँ ना, लॉगिन की स्क्रीन तो खुलनी चाहिए मेरे पास। 401 आ रहा है ना, यूज़र लॉग आउट किया हुआ तो है मैंने डिस्पैच। अब क्या मसला है भाई, बिल्कुल सही है सब कुछ तो। मैंने कहा स्टेट डॉट इज़ लॉगिन, इज़ लॉगिन की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है क्या, मैं ज़रा देख लेता हूँ यहाँ पे जाके अपने
कॉन्टेक्स्ट में जाके देख लेता हूँ, इस लॉगिन का एल बड़ा है, गॉट इट। इस लॉगिन का एल बड़ा है, सही। छोटी छोटी मिस्टेक्स आज हो रही हैं जिसकी वजह से हम काफ़ी तंग हो रहे हैं आज। लेकिन खैर, हमें ये नहीं देखना होता कि अभी मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा, काम तो काम होता है भाई, काम करना होता है। अब मैं होम का बटन प्रेस भी करूँगा ना तो क्या होगा, ये होम के बटन पे मुझे कुछ भी नहीं दिखाएगा, ये प्रोफाइल के बटन पे कुछ भी नहीं दिखाएगा, गैलरी के बटन पे कुछ भी नहीं दिखाएगा मुझे ये, राइट। अच्छा, मुझे ये बटन भी गायब करवाने हैं। अभी तो लॉगिन के स्क्रीन पर मैं क्लिक करता हूँ ना तो लॉगिन हो जाता है मेरे पास। अच्छा, तो मुझे ये बटन भी गायब कराना है, तो मुझे ये सेम चीज़ ना नैव बार में भी करनी होगी। मुझे ये सेम चीज़ क्या करनी होगी, नैव बार में भी जाके इम्प्लीमेंट करनी होगी कि भाई नैव बार में भी वही दिखाया जाए जो बंदा इस वक्त देखना चाह रहा है। मैं कंपोनेंट्स में जाता हूँ, मैं नैव बार में जाता हूँ, और नैव बार के मैं इंडेक्स में जाता हूँ, और यहाँ जाके मैं बोलता हूँ कि भाई साहब यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऐसे करके दिखाएंगे कि अगर लॉगिन ट्रू है तो आप क्या दिखाएंगे, तो आप ये वाले राउट्स दिखाएंगे आप, ठीक है। लॉग इन ट्रू होगा तो ये वाले राउट्स दिखाएंगे आप। अच्छा, अगर लॉग इन फॉल्स होगा तो आप कौन से दिखाएंगे, ये वाले राउट्स दिखाएंगे, लॉग इन साइन अप, ठीक है। अच्छा, लॉग आउट कब, लॉग आउट भी तो उस पर ही दिखेगा ना मेरे, हाँ लॉग आउट भी तो, लॉग इन होगा तो लॉग आउट होगा, ये लॉग आउट होगा यहाँ, सही है। मैंने कहा भाई ऊपर का जो नैव बार है ना मेरा, वो भी आप क्या कर दो। अच्छा, एक तीसरी सिचुएशन भी हो सकती है कि भाई क्या हो, जब आपका जो है ना नल हो, यानी अभी लोडिंग हो रहा है कुछ भी नहीं पता, तो आप यहाँ पे क्या दिखा देंगे, आप कहेंगे भाई लोडिंग लिखा हुआ आ जाए यहाँ पे, या कोई इमेज छोटी सी आ जाए, कोई लोडर बना हुआ आ जाए। अब क्या कर दिया मैंने इसमें, 68 में एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा लग गई है, सही तो है। सही तो लगाया सब कुछ मैंने, नेव नेव नेव, ओके। अच्छा, ये एल आई है, वो यूएल बंद नहीं हुआ। अच्छा, ये यूएल बंद नहीं हुआ, ये यूएल बंद नहीं हो रहा क्या? हाँ, ये यूएल मैंने उड़ा दिया गलती से, इसको मुझे बंद करना होगा, अब सेट हो गया ये। अब लाइन नंबर 63 में एक्स्ट्रा ब्रैकेट है, क्यों भाई? एल आई सही है बिल्कुल, यहाँ पे ख़त्म हुआ, यहाँ पे ख़त्म हुआ, और एक मिनट ये नल वाले को थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। अच्छा, ये रिटर्न की गोल ब्रैकेट भी मैंने गायब कर दी है ना, रिटर्न की गोल ब्रैकेट भी मैंने गायब कर दी थी। नेव पे रिटर्न की गोल ब्रैकेट आ गई, और अब ये अब क्या मसला है भाई? बटन इज नॉट डिफाइंड बट नेवर यूज, बटन की तो खैर हो गई। स्टेट भी तो यहाँ पे नहीं पता, नहीं स्टेट है तो सही यहाँ पे, किसी को समझ आ रहा है इसमें क्या गड़बड़ हुई भी है? मैं तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। नहीं, आप खुद से बैठेंगे जब करने तो सब कुछ समझ में आएगा। लॉग आउट हैंडलर बिल्कुल सेट है, बिल्कुल सेट है यार, एक मिनट इसको कंट्रोल जेड करके पहले जैसा बनाते हैं। ये लगाते हुए कोई मैंने आगे पीछे कर दिया, मिस्टेक कर दिया, जिसकी वजह से ना ये पूरा ही पागल हो गया।
ये था ना। अच्छा अब ज़रा एहतियात से इसको हम, सही है, एहतियात से इन तीनों को उठाते हैं, कट करते हैं और यहाँ बीच में लाके पेस्ट कर देते हैं। तो मैं कट करके यहाँ ले जाता हूँ, तो इसको प्रॉब्लम क्या है? अच्छा अभी सही चल रहा है, ठीक हो गया। अभी यही चीज़ मुझे क्या करनी है, अब डुप्लीकेट अच्छा ये एरर अभी से ही फ़ौरन ही आना शुरू हो गया ये। ओह अच्छा, अब मुझे समझ में आया क्या चक्कर है। ये असल में यूएल के अंदर ना एलआई डायरेक्ट होना चाहिए, ये इसलिए एरर आ रहा है। तो मैं काम करता हूँ, इस यूएल को हटा ही देता हूँ। मैं बोलता हूँ भाई यूएल इधर है हमारा, सही है, ये इसलिए एरर दे रहा था कि वो यूएल के बग़ैर एलआई नहीं होता, वो इसलिए मुझे एरर दे रहा है। अरे यार हाँ देखा, ये एरर सेट हो गया फ़ौरन। अब अरे लेकिन ये एरर तो अभी भी आ रहा है। एक यूएल हटेगा, ये रहा ना, सही तो है यूएल। और इसको अब मैं कर देता हूँ डुप्लीकेट। क्या बोलते इसको, सर ये नल के ऊपर जो दो डॉट लगाए हैं इसकी वजह से तो नहीं हो रहा? नहीं, इसकी वजह से नहीं हो रहा, इसकी वजह से नहीं हो रहा। सर एंड में कोई कर्ली ब्रैकेट लगा के चेक करें एक दफा। लॉगआउट हैंडलर, लॉगआउट हैंडलर, अच्छा ये कोड चल सही रहा है और जो है ना, लेकिन वो एरर स्टिल अपनी जगह खड़ा हुआ है, वो ख़त्म नहीं हो रहा। ये मुझे लग रहा है मेरा वीएस कोड ना कुछ गड़बड़ हो गई है, मेरे वीएस कोड में ना, वीएस कोड में कोई गड़बड़ हो गई है। सर वीएस कोड हटा के देख लें दोबारा फोन करके, मतलब हटा के फिर खोल। ये वीएस कोड जो है ना गड़बड़ कर रहा है। एक काम करता हूँ, मैं वीएस कोड को कम्प्लीटली बंद करके ना दोबारा से खोलता हूँ। क्योंकि कोड तो मेरा बिल्कुल ठीक है ना। हाँ अब देखो ये सेट हो गया बिल्कुल, अब कोई एरर नहीं है, क्योंकि कोड तो मेरा बिल्कुल सही लिखा हुआ था, मुझे नज़र भी आ रहा है। ठीक है, वो वीएस कोड जो है ना थोड़ा सा कभी कभी शॉर्ट हो जाता है, मतलब आज सिर्फ सर मैं, वीएस कोड को भी पेप्सी पिलानी पड़ेगी। हाँ मैं यही कहने लगा था, आज मुझे पेप्सी नहीं मिली भी और वीएस कोड को भी पेप्सी नहीं मिली आज, आज कुछ उल्टा ही सीन चल रहा है। अच्छा खैर, तो ये हमने क्या कर लिया, अच्छा ये npm start हमें दोबारा रन करना होगा ना।
सही है जी, NPM स्टार्ट हमने दोबारा रन कर दिया, और अभी हमें देखें सिर्फ लॉगिन और साइनअप का पेज दिख रहा है और मुझे कोई दूसरा पेज नहीं दिख रहा। तो मैं ज़रा लॉगिन के पेज पे चला जाता हूँ, और लॉगिन के पेज पे जाके अब देखो जैसे ही मैं साइन इन का बटन दबाऊँगा ना तो क्या होगा, ये मुझे कहाँ लेकर आ गया, मुझे ये लेकर आ गया लॉगिन के ही पेज पे, लेकिन वो नीचे से आइटम गायब हो गया मेरा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे ना राउटिंग में ना एक चीज़ होती है और एक बड़ी अच्छी सी ज़बरदस्त सी चीज़ होती है कि अगर मिसाल के तौर पे मैंने स्लैश लॉगिन लिखा है और स्लैश लॉगिन एग्जिस्ट नहीं करता तो मुझे कहाँ भेजना चाहिए इसको ऑटोमेटिकली, ऐप डॉट जे एस में आता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे क्या है कि स्लैश लॉगिन के ऊपर ना एलिमेंट है लॉगिन, ठीक है, लेकिन अब मिसाल के तौर पर जब लॉगिन ट्रू है तो इसमें स्लैश लॉगिन के ऊपर कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ स्लैश स्टेरिक के, स्टेरिक कि अगर कोई भी चीज़ ना हो ना तो कहाँ ले जाओ, होम पे लेके चले जाओ, तो मुझे ये क्या करेगा, होम पे ले आएगा ऑटोमेटिक। मैं लिखूँगा लॉगिन लेकिन लॉगिन पे भी मुझे ये होम पे ऑटोमेटिक लेकर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अभी आप नोट करें कि ये क्या है, ऊपर चेंज नहीं होता URL ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लिए, रिडायरेक्ट करके एक चीज़ होती है वो निकालना पड़ेगा। इसमें से मैं क्या करूँगा, रिडायरेक्ट, एक मिनट बल्कि मैं इसको ना वो कर लेता हूँ, गूगल कर लेता हूँ रिडायरेक्ट वाले को, रिएक्ट राउटर डॉम V6 रिडायरेक्ट, ठीक है। ये स्टैक ओवरफ्लो खुल गया है वेल, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स में भी लिखा हुआ होता है ऑफिशियली ना, ठीक है। नेविगेट के नाम से एक है इनका, ठीक है, नेविगेट के नाम से, ये भी हमें यूज़ करना होगा, अभी हम ये यूज़ करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, यूज़ नेविगेट। और यार ये क्या बकवास है, हाँ ये रहा नेविगेट टू लॉगिन, ठीक है सही है, नेविगेट है इसका, ये असल में चेंज हुआ है ना, रिडायरेक्ट नहीं रहा, अब ये नेविगेट हो गया है, ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी इन्होंने चेंज की हैं। तो अब मैंने क्या करना है यहाँ पे आके, मैंने यहाँ पे ये करना है, मैंने कहना है स्टेरिक अगर है इसके अलावा कोई भी है तो आप क्या करोगे उसको, आप उसको रीडायरेक्ट करोगे आप, सही है, यानी कि नेविगेट करोगे, और आप कहाँ पे नेविगेट करोगे, आप स्लैश के ऊपर, ठीक है। तो अगर इनमें से कोई भी मैच नहीं होगा ना स्टेरिक पे जब ये पहुँचेगा तो उसको नेविगेट करके वो स्लैश पे लेके चला जाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर तो अब होगा क्या यहाँ पर, अब होगा ये कि मैंने रिफ़्रेश किया और मैं यहाँ पर आके हाथ से स्लैश लॉगिन लिख के एंटर करता हूँ तो ये मुझे कहाँ ले आएगा, डायरेक्ट होम पे लेकर आ जाएगा, ठीक है। मैं दोबारा दिखाता हूँ, लॉग आउट किया मैंने, रिफ्रेश किया, ठीक है, लॉग आउट से स्टेटस में, अभी जैसे ही मैं लॉगिन का बटन प्रेस करूँगा ये मुझे ऑटोमेटिक होम पे लेके चला जाएगा, ये देखो होम पे लेकर आ गया। अच्छा यही चीज़ अब मुझे लॉग आउट पे भी करनी है कि जब मैं यहाँ से लॉग आउट का बटन दबाता हूँ तो क्या होता है, URL चेंज नहीं होता ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो यही चीज़ मुझे यहाँ पे नीचे भी करनी होगी इस जगह पे, इसको मैं डुप्लीकेट करके यहीं पे नीचे ले आता हूँ। मैं बोलता हूँ भाई कि अगर लॉगिन साइन अप नहीं है ना कुछ भी तो नेविगेट कहाँ करवा दो, लॉगिन पे नेविगेट करवा दो आप। तो उससे क्या होगा, जैसे ही मैं लॉगिन करूँगा मैं सीधा डैशबोर्ड पे, और जैसे ही मैं यहाँ से लॉग आउट करूँगा मैं सीधा लॉगिन के पेज पे, ठीक है। तो ये हमने काफ़ी स्ट्रीमलाइन कर लिया अपने लॉगिन साइन अप के प्रोसेस को। ये लॉगिन साइन अप का प्रोसेस जो होता है काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है ज़ाहिर है, और काफ़ी ज़्यादा जो है ना मेहनत तलब काम होता है जैसा कि आप देख ही रहे हैं, लेकिन वंस ये हमारा स्ट्रीमलाइन हो जाता है ना उसके बाद हमें दोबारा इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती, बहुत थोड़ी सी मेहनत फिर करनी होती है, हर दफ़ा जस्ट ख्याल रखना होता है मैं कि हम लॉगिन हैं या नहीं हैं, जा रहे हैं, ठीक है, माइक बंद करके बोलो जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। अच्छा ओके तो हमने क्या कर लिया आज की डेट में, हमने दो चीज़ें सीख ली, एक तो हमने JWT के टोकन सीख लिए कि लॉगिन जब कोई बंदा होता है तो उसको ट्रैक करने के लिए हमारे पास JWT टोकन्स नाम की एक चीज़ होती है, वो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और उसको इस्तेमाल करते हुए क्या होता है कुकीज़ में हमारे पास डेटा सेव हो जाता है, HTTPS ओनली कुकीज़ को हम यूज़ कर रहे हैं जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा सिक्योर मानी जा रही है अमंग द JavaScript डेवलपर्स। और हम HTTPS ओनली कुकीज़ में कैसे अपनी कुकी को स्टोर करते हैं, कैसे उसको बाद में वैलिडेट करते हैं, कैसे वेरीफाई करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने अभी तक यहाँ पे देख ली हैं। अगली क्लास में हम होपफुली क्या करेंगे, इसमें एक पेज बनाएंगे जिसमें हम क्या कर रहे होंगे, थोड़े प्रोडक्ट्स वगैरह शायद लिस्ट करें, मे बी हमने शुरू में सोचा था कि हम मिठाई की दुकान की एक ऐप बनाएंगे,
ठीक है, तो वो हम उस पर काम शुरू करेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास से। ठीक है, हमारी अभी लास्ट की कुछ क्लासेस रह गई हैं, वैसे तो 17 तारीख हमारी लास्ट डेट थी इस कोर्स की, लेकिन हमारी 4 क्लासेस क्योंकि कैंसिल हुई थी, तो हमारी अभी 3 क्लासेस इंशाल्लाह हम और अभी करेंगे, जिसमें मेरी कोशिश रहेगी कि PWA को थोड़ा सा मैं कवर सर करूँ। 4 नहीं 6 क्लासेस कैंसिल हुई है। हाँ, तो मतलब जो भी है वो कैलकुलेट, वो सारा ऑन रिकॉर्ड है, तो वो हमें पता चल जाएगा। तो क्या कहते हैं, वो सारी जो क्लासे हैं ना अभी जो बची हुई हमारी, वो वाली ये चल रही हैं। अच्छा, इसमें मेरी कोशिश रहेगी, लॉग इन साइनअप तो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, डेटाबेस हमने अच्छे से समझ लिया लॉग इन साइनअप का कैसे होता है। ठीक है, हमने ऑथ गार्ड समझ लिए हैं। अब हमारे पास क्या रह गया कि प्रोडक्ट को ना क्रड ऑपरेशन हम एक बनाएंगे पूरा, कि एक बंदा होगा वो प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहा होगा, प्रोडक्ट दिख रही होगी, और हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, हम एक मिठाई की दुकान की ऐप बनाने की कोशिश करेंगे मोर और लेस, कि भाई एक बंदा है वो मिठाई लिस्ट करेगा और दूसरा बंदा आके उस पर ऑर्डर करेगा, इस तरह की चीज़ें हो रही होंगी। और लास्ट में हम क्या करेंगे, इसी एप्लीकेशन की ना PWA बनाने की कोशिश करेंगे, उसको मोबाइल ऐप में कन्वर्ट करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, मोबाइल में वैसे कैसी दिखती है अभी ये, बहुत ही वाहियात दिख रही है मोबाइल में ये। PWA सर ये मोबाइल ऐप बनाता है या वो डेस्कटॉप ऐप बनाता है? मोबाइल ऐप बनाता है। मोबाइल ऐप बनाता है। हाँ ठीक है, यही वाली सर जो वो ऐप है बताइए। ना, APK बन के आपको मिल जाएगी यही वाली पूरी की पूरी। ठीक है, प्रोग्रेसिव वेब ऐप ना सर वो बताइए। हाँ, वो जब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा क्या होता है। चलो सर मतलब एक सरसरी सा यार, बता। वो होता ही है कि आप जैसे अभी हमने वेब एप्लीकेशन बनाई है ना, तो यही वेब एप्लीकेशन कन्वर्ट हो जाती है मोबाइल ऐप के अंदर। मोबाइल ऐप्स वैसे तो कवर नहीं है हमारे इस कोर्स में, ना मैंने PWA का जिक्र किया था कोर्स आउटलाइन में, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि ये हम ज़रूर पढ़ें इस कोर्स में। थैंक यू सर, ये बहुत अच्छा है। ठीक है जी, अगर चलें तो फिर इजाज़त चाहता हूँ मैं आपसे, अगली क्लास में मिलेंगे। ये कोड कोशिश कीजिएगा आप सब लोग अपने हाथ से लिख लें। ठीक है, मैं समझता हूँ कि ज़्यादा कोड है काफ़ी, लेकिन स्टिल अगर आप ये लिख लें कोड तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, चलें मिलते हैं फिर अगली क्लास में। अगली क्लास में कल्पसी के साथ। हाँ ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह।